मैक्सिमम करना क्या है? चेक करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पे मिनिमम होगी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, उससे पहले क्या एफ डेस एक्स, और एक कैलकुलेट करना है एफ डबल एक्स। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू जीरो करना है, और जो भी बनेगा एफ डेस एक्स इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। रूट्स मतलब जिन पे वैल्यू जीरो आते हैं उनको बोल देता हूँ ए बी सी। कितने भी बन सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। एक एफ डबल डे ए, ठीक है, एक रूट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। इफ दिस इज लेस देन जीरो तो क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा मैक्सिमम। ये क्या चीज होगी मैक्सिमम, कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी मैक्सिमम। अगर एफ डबल डैश ए, सॉरी ए नहीं, जीरो ग्रेटर देन जीरो देन एफ ऑफ ए इज मिनिमम। सिर्फ ए की बात कर, कि कोई भी रूट है एक्स इज इक्वल टू ए की बात, ये चीज क्लियर है कि मैक्सिमम क्या होगा मिनिमम क्या होगा। डबल डिफरेंस सिंगल डिफरेंशिएशन, उसको जीरो के इक्वल वहां से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, फिर वो वैल्यू डबल डिफरेंशिएट में पुट करनी, वहां से वैल्यू चेक करनी। अगर नेगेटिव आएगा तो उस पॉइंट पे क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव आएगा तो उस पॉइंट पे क्या होगी मिनिमम वैल्यू। चेक कर दे एग्जांपल से। एग्जाम्पल दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 - 9x² प्लस 15x - 11। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या है पॉइंट बताने हैं जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। चेक करो, लेस देन हो तो मैक्सिमम वैल्यू, हाँ जी, अगर नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे ना, अगर एफ डबल डैश ए इज लेस देन जीरो का मतलब क्या है, अगर उसका साइन चेक करना, नेगेटिव माइनस होगा तब तो क्या आएगी उस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव आएगा तो उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू।
एफ प्लस एक्स कैलकुलेट किया कितना रहा, 3x² - 18x + 15, 3x² - 6x + 5, 3x - 1x - 5, फैक्टर बना दिया। एफ डबल डेफ एक्स कैलकुलेट किया कितना जाएगा, 6x - 18। यहाँ से पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, x = 1 and x = 5। करना क्या, x = 1 पुट किया कितना है, f डबल डेफ x = 6 - 18 = -12, क्या होगा <0। तो एट x = 1 मेरे को क्या मिलेगा, f डबल डेफ x 5 पे कैलकुलेट करो कितना जाएगा, 6 × 5 - 18 आ रहा पॉजिटिव 12 ग्रेटर देन 0, देन x = 5 पे क्या होगा, मिनिमम। क्लियर है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये, पॉइंट ऑफ मिनिमा ये वाला। वन बाई थ्री कैसे आएगा, 3/3 आएगा ना, 1/3 तो 3 कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन बनी ना, प्लस का 5, चेक करो 1/3 तो आई नहीं रहा, या तो डिफरेंशिएशन में कुछ मिस्टेक की है या फिर फैक्टर बनाने में। पता चला कहाँ गलती है, तो कि नेक्स्ट सिंपल वाला, सॉरी किस वर्ड, f(x) = sin x, वही बताने पॉइंट, द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा।
माइनस वन पॉइंट पूछ रहा हूं, पॉइंट पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, चलो करते हैं चेंज। क्या करना f डैश x कितना जाएगा, cos x, f डबल डैश x कैलकुलेट के कितना जाएगा, माइनस का sin x, cos x को क्या करना है, जीरो के इक्वल, यहां से वैल्यूज क्या आ रही है, पाई बाई टू, और क्या है, थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू, ठीक है, ऐसे ही माइनस का पाई बाई टू, माइनस का थ्री पाई बाई टू, ठीक है, ये वैल्यूज बनेंगे, चेक करना माइनस का साइन एक्स पाई बाई टू पे क्या है, ना एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, वैल्यू कितनी आ रही है, एफ डबल एस पाई बाई टू पे माइनस का वन, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम, एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू, क्या एफ डबल एस थ्री पाई बाई टू कितना जाएगा, माइनस ऑफ माइनस वन, पॉजिटिव बन जाएगा, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम, एक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाई टू क्या बनेगा, एफ डबल डैश फाइव पाई बाई टू कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो इस पॉइंट पे क्या जाएगा, मैक्सिमम, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, एफ डबल डैश माइनस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस वन पे कितना हो जाएगा, प्लस का वन, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मेरे को, मिनिमम, क्या बनेगा, पाई बाई टू, पाई पाई बाई टू, पाई के बाद नाइन पाई बाई टू, नेगेटिव वाले देखूंगा तो कहां पर मिलेगा, माइनस का थ्री पाई बाई टू, माइनस का सेवन पाई बाई टू, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, मैक्सिमम के, मिनिमम के थ्री पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, इलेवन पाई बाई टू, और माइनस का पाई बाई टू, माइनस का फाइव पाई बाई टू, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, मिनिमम के, क्लियर है, है किसी को कोई डाउट इस वाले में, नेक्स्ट ये f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 10 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और किस पॉइंट पे होगी वो भी बतानी है। करो सॉल्व। नहीं, इफ एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू जीरो तो वो पॉइंट इनफ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा, तो उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं ना मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वहां से वैल्यू चेंज नहीं होगी। डबल डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल आ रहा है किसी की वैल्यू पे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, और अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है तो ना तो मैक्सिमम कैलकुलेट हो सकती है ना मिनिमम कैलकुलेट हो सकती है उस पॉइंट पे। मिनिमम और मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे होती है? एक्सट्रीम पॉइंट पे। Thank you.
एक्स इज इक्वल टू वन पे। चलो बाकी सॉल्व करो जल्दी।
सबसे पहले स्टेप एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, कितना आएगा 5x^4 - 20x^3 + 15x² एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट किया कितना आ जाएगा 20x^3 - 60x² + 15 = 30 एक्स। इसको क्या बनाना है, फैक्टर बनाने मतलब कॉमन क्या है 5x² कॉमन, x² - 4x और प्लस का 3, ये बन जाएगा 5x² x - 1 और x - 3। ठीक है, तो पॉइंट अपने पास कौन कौन से आ गए, x = 0, 1 और 3। यहाँ से चेक करना है वैल्यू x = 0 पे x = 1 पे x = 3 पे। f डबल डैश 0 पे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो 0 इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट, तो इस पे ना तो अपने को मैक्सिमम कैलकुलेट करनी ना ही मिनिमम। नेक्स्ट f डबल डैश x की जगह पुट कर रहा हूँ 1, कितना आ रहा है 20 - 60 + 30 आ रहा है -10 लेस देन 0, तो 1 पे क्या मिलेगी मेरे को मैक्सिमम। एफ डबल एस 3 पे और चेक कर लेते हैं, क्या 3 की पावर 3 27 × 2 = 540, 3 का² 9 तो -540 और +3 = 90। इससे 90 > 0 तो 3 पे मेरे को मिल जाएगी मिनिमम। पूछा क्या था क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 पे मिलेगी, तो f(1) = 1 - 5 + 5 - 10 - 15 - 16 - 90 इज मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल ले लेता हूँ a, b, f(x) की ग्रेटेस्ट और लीस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, करेंगे क्या सेम वही स्टेप, f(x) कैलकुलेट किया, f(x) कैलकुलेट किया, ठीक है, = 0 फैक्टर कैलकुलेट कर लिया कि x = ab आ गया, c भी आ गया। फिर क्या करना है, f डबल डैश c कैलकुलेट करना, क्या चीज कैलकुलेट करनी है, f डैश c कैलकुलेट करना, इससे क्या पता चलेगा, सॉरी इसकी कुछ वैल्यू आएगी,
ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो पे तो क्या होगा, पॉजिटिव है मतलब मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे क्या मिलेगी मेरे को, मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगे इस इंटरवल में, इंटरवल में बात की जाएगी तो अपने को सारी चीजें चेक करनी है। एफ ओ पी, एफ ओ पी एंड एफ ओ सी, इनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होंगे दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के केस में भी क्या होगा, मिनिमम देखनी है किस किस में से, एफ ओ पी, एफ ओ बी और एफ ओ सी। इंटरवल के जो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स है ठीक है, उन पे भी आपको वैल्यू चेक करनी है। अगर इंटरवल ओपन हुआ तो आपको वैल्यू चेक नहीं करनी है। इसमें ए और बी क्या है, इंक्लूडेड है, तो आपको ए और बी पॉइंट पे भी चेक करनी है। अगर इंक्लूडेड नहीं होगा तो आपको वैल्यू चेक नहीं करनी। ये चीज क्लियर है कि एक इंटरवल के अंदर कैसे चेक करना है। जो भी फंक्शन बनेंगे वो पॉइंट तो कैलकुलेट हो जाएंगे, उनके आपको मैक्सिमम और मिनिमम देखनी है। फिर हर बार क्या करना है, ए और बी पे भी उस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। मैक्सिमम के केस में तीनों को चेक कर लेना, मिनिमम के केस में भी तीनों को चेक कर लेना। जो मिनिमम होगी इनमें से वो मिनिमम, जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम। एक एग्जाम्पल ले लेते, यहीं पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। फाइन the greatest of f of x is equal to x to the power 3 minus 12x square plus 45 in the interval 0,7. चेक करो
हुआ सॉल्व? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, डायरेक्ट जीरो पे तो जीरो आ रही होगी, नहीं 45 आ रही। चलो करते हैं चेक। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, एफ डैश एक्स कितना देगा, 3x² माइनस का 24x, एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है, 6x माइनस का 24। इसको किया जीरो के इक्वल, 3x एक्स माइनस 8, पॉइंट मिला एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 7, तीन पॉइंट हो गए। ठीक है, वैल्यू चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 8 पे एफ डबल डेट एक्स, 8 पे वैल्यू क्या रही है, 6 × 8 − 24 इज ग्रेटर देन 0, तो इस पे मिलेगी अपने को मिनिमम। एफ डबल डेट जीरो भी एक फैक्टर बन रहा है, तो आ जाएगा 6 × 0 − 24 = 0, तो इस पे आ जाएगी मैक्सिमम। करना क्या है अपने को, कौन कौन सी वैल्यू चेक करनी है, एफ डैश जीरो कितना जाएगा, 45, एफ जीरो ब्रेक पॉइंट कौन सा है, 7, जीरो और 7 पे ही तो चेक करनी है, 7³ कितना आएगा, −12 × 7² + 45, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, 7³ कितना जाएगा, 343 −49 × 12 कितना आएगा, 588 प्लस का 45, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। चेक करना था तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 45, कहाँ पर, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 45, ये आ जाएगी इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर है कि जितने भी पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स से जितने पॉइंट आएंगे वो, और एंड पॉइंट 0 और 7, इन पे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, एक नेगेटिव आ रही है एक पॉजिटिव आ रही है, तो जो मैक्सिमम होगी दैट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर है, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे एक एक्स और लगा दिया, अब चेक करके बताना क्या है, फिर एफ डबल डेट एक्स के बाद क्या किया, वैल्यूज पुट की, यहाँ से जो फैक्टर है एक तो जीरो कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू 8 पे, ये दो फैक्टर तो यहाँ से है, ये वैल्यूज पुट की, जीरो से लेस देन जीरो आ रहा मतलब मैक्सिमम मिलेगी, 8 पे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, फिर एंड पॉइंट क्या है, 0, 7 और एक जीरो, तो इसका मतलब इन दो पे चेक करनी है, 0 और 7 पे जो मैक्सिमम होगी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। अगर मान लो कि मिनिमम पूछी जाती तो 8 पे कैसे मिलेगी मिनिमम, फिर 8, 0 और 7 तीनों पे चेक करता, ठीक है, जिस पे मिनिमम मिलती वो मिनिमम होगी। लिस्ट वैल्यू पूछी जाती तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करना है, एफ डैश एक्स से जो फैक्टर बनेंगे उनको जीरो, सॉरी जो बनेगा उसको जीरो के इक्वल, वहां से एक्स की वैल्यूज और ये दो वैल्यूज इन पे चेक करना है। पहले तो क्या चेक करना है, एफ डबल डैश एक्स की उसकी वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, इस पे तो मिनिमम ही आ रही है तो इसको तो चेक नहीं करना, बाकी को चेक करना है।
छोटा सा चेंज किया, 45x लिखा है एक बार, अब चेक करने एक बार। हुआ सब? फिर से चेक करना है। चल 2 मिनट का टाइम और फिर से चेक करो।
चलो करते हैं चेक। सबसे पहले क्या किया, एलएस कितना जाएगा, 3x² - 24x + 55 कॉमन क्या रहता है, 3x² - 8x + 15 फिर तो क्या बनाएंगे, 3x - 3 and x - 5 फैक्टर्स में पॉइंट क्या है, x = 3 and 5 फिर क्या कैलकुलेट किया, एफ डबल डेस एक्स क्या बनेगा, 6x - 24 एफ डबल डेस 3 कैलकुलेट किया कितना रहा, 18 - 24 = -6 दैट इज लेस देन 0 इस पॉइंट पे मिलेगी मेरे को मैक्सिमम। एफ डबल डेस 5 कैलकुलेट किया 6 × 5 - 24 आ जाएगा प्लस का 6 दैट इज ग्रेटर देन 0 किस पॉइंट पे मिलेगी मेरे को मिनिमम। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो भी सकती है और ना भी हो, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू आई है वो लीस्ट वैल्यू हो भी सकती है और ना भी हो। ठीक है, इसके लिए भी बताया था ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए क्या चेक करना है, आपको चेक करना है एफ जीरो एफ ऑफ 7 एंड एफ ऑफ 3 चेक करो क्या रहा है, एफ ऑफ 0 पुट करूंगा तो कंप्लीट वैल्यू क्या देगी, एफ ऑफ 0 = 0 एफ ऑफ 7 पे चेक किया कितना आएगा, 7 की पावर 3 तो जाएगा 343 - 7² = 49 × 12 588 फिर 45 × 7 प्लस का 315 मेरा 3 × 3 = 6 648 लिखा तो सही है नहीं, ये आ गया 70 एफ ओ 5 कैलकुलेट करूंगा तो सॉरी 3 करना तो 3 की पावर 3 आ जाएगा 27 माइनस 3 की पावर 2 9 × 12 108 45 × 3 तो 135 27 × 27 = 54 0 70 और 54 इनमें से जो मैक्सिमम होगा दैट इज ग्रेटेस्ट है, कितनी है ग्रेटेस्ट चेक करना, सेवेंटी और कौन से पॉइंट पे, 7 पे, 70 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर है किसी को कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट मिटा दो
पांच बज गए, चलो ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास.